केंद्र सरकार ने राज्यसभा के लिए 6 शख्सियतों के नाम नॉमिनेट कर दिए हैं, जिनमें सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह सिद्धू, मैरी कॉम के नाम शामिल हैं। वही खबर है कि राइटर सलीम खान ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 नामों को नॉमिनेट किया है। सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह सिद्धू, मैरी कॉम, स्वप्नदास गुप्ता, डॉक्टर नरेंद्र जाधव और मलयाली एक्टर सुरेश गोपी। ये उन हस्तियों के नाम हैं जो राजनीति, फिल्म, खेल जैसे क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। अब जल्द ही ये चेहरे संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में नजर आएंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 सांसदों के नामांकन के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि इनमें एक और नाम शामिल था, सलीम खान का, लेकिन खबर है कि सलीम खान ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं अगर बात नामित 6 सदस्यों की जाए तो इनमें सबसे पहला नाम है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। अराजनीतिक आंदोलन के साथ स्वामी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। स्वामी के उदारवादी आर्थिक नीतियों की इंदिरा गांधी विरोधी थी। इंदिरा गांधी के कारण स्वामी को IIT से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद स्वामी ने जनसंघ के साथ राजनीति की शुरुआत की। जनसंघ की तरफ से स्वामी राज्यसभा के सदस्य बने। 1974 से 1999 के बीच 5 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1990 से 91 के दौरान स्वामी केंद्रीय वाणिज्य और कानून मंत्री भी रहे। स्वामी ने 2G से लेकर नेशनल हराल्ड तक के केस अदालत में लड़े हैं। राजनीति में सुब्रमण्यम स्वामी के नाम के साथ नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी शामिल है। सिद्धू पिछले काफी वक्त से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट कर अमृतसर से उनका टिकट अरुण जेटली को दे दिया गया था, जिसके बाद वो अमृतसर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। माना जा रहा है कि नाराज सिद्धू को मनाने के लिए पार्टी का ये बेहतर तरीका है। इसके साथ ही आने वाले समय में पंजाब के चुनाव के लिए सिद्धू काफी अहम साबित होंगे। खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन कर चुकी मुक्केबाज मैरी कॉम का नाम भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैरी कॉम नॉर्थ ईस्ट और खेल दोनों का प्रतिनिधित्व करेंगी। मणिपुर की रहने वाली मैरी कॉम 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीत चुकी हैं। 2014 के एशियाई खेलों में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। 2012 के ओलंपिक खेलों में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था। मैरी कॉम 10 राष्ट्रीय खिताब भी जीत चुकी हैं। 2003 में मैरी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई। 2006 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वैसे राजनीति और खेल जगत के अलावा मलयाली सिनेमा के बड़े चेहरे सुरेश गोपी, पत्रकार स्वप्नदास गुप्ता और कभी बीजेपी विरोधी रह चुके नरेंद्र जाधव का नाम भी राज्यसभा सदस्यों के लिए नॉमिनेट किया गया है। मलयाली सिनेमा में अपनी एक्टिंग और गायकी से दर्शकों का दिल जीत चुके केरल के सुरेश गोपी भी अब अभिनेता से नेता बनने जा रहे हैं। 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके गोपी को भी राज्यसभा में नामांकित किया गया है। वैसे केरल के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्यसभा के लिए एक्टर सुरेश गोपी का नाम भी काफी अहम माना जा रहा है। वैसे इस लिस्ट में महान अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव का नाम भी शामिल है। नरेंद्र जाधव की उपलब्धियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। अपने जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष को जब उन्होंने आत्मकथा की शक्ल दी तो उसने भी इतिहास रच दिया। नरेंद्र जाधव की किताब आमी आणी आमचा बाप बेस्ट सेलर बनी। 1983 में उन्हें इंडियाना यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन छात्र का अवार्ड मिला था। नरेंद्र जाधव योजना आयोग और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। वैसे एक वक्त में जाधव के कांग्रेस से अच्छे संबंध थे, लेकिन अब जाधव बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं। जाने माने पत्रकार स्वप्नदास गुप्ता को भी राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। इंडिया टुडे के मैनेजिंग एडिटर रह चुके स्वप्नदास गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। बंगाली पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले स्वप्नदास गुप्ता ने अपनी पढ़ाई सेंट स्टीफन्स कॉलेज से की थी। वो देश विदेश के कई अखबारों के लिए कॉलम भी लिखते हैं। राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों का चयन नामांकन के तहत किया जाता है। 12 सांसदों में से 7 सांसदों के पद फिलहाल खाली है, जिसे भरने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। माना जा रहा है कि इन सांसदों के नामांकन से राज्यसभा में सरकार की स्थिति थोड़ी मजबूत हो पाएगी। देखते रहिए GB Live।